हेलो एवरीवन, कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क टाइप। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े थे और उनका टाइप जैसे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर के बारे में। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क की, यानी कितनी टाइप है। सबसे पहले हम उसका थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, फिर बाद में हम उनको वन बाई वन पढ़ेंगे। A computer network is a group of computers linked to each other that enable the computer to communicate with other computers and sharing resources, their resources, data and applications. Computer network जो कि group of computers यानी link होता है एक दूसरे से, that enable the computers to communicate with each other, उससे यानी हम एक computer दूसरे computer के साथ क्या कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, और यानी उसका जो resources है, data है, applications वगैरह हम share कर सकते हैं आपस में, यानी एक computer से दूसरे computer। A computer network can be categorized in four types. Computer network को यानी चार टाइप में यानी categorize किया गया। सबसे पहला है LAN, local area network. Next one is PAN, personal area network. Next one is four main metropolitan area network. और last one is wide area network. यानी ये तीन चारों क्या है टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो ये है टाइप ऑफ नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग एंड ऑफिस। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक यानी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है एक दूसरे से कनेक्टेड किसी भी यानी स्मॉल एरिया में, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग या ऑफिस में। Local area network is used for connecting two or more personal computers through a communication media such as TV stick, peer, coaxial cable, etc. Local area network को एक या दो से ज़्यादा personal computer को connected किया जाता है जो कि communication media के कोई भी communication media के through या तो TV stick, peer या तो coaxial cable या तो fiber optic भी हम कहा जाते हैं। The data is transmitted at an extremely fast in local area network. Local area network में यानी data fastly यानी क्या होते हैं transmit होते हैं, transfer होता है। Local area network link computer in some areas for the purpose of sharing information and resources. Local area network को हम किसी भी जगह यानी हम कोई भी purpose के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है, तो किस लिए करते हैं हम, sharing information and resources, कोई भी information को share करने के लिए और resources को, इसलिए हम computers local area network को क्या किया जाता है, links किया जाता है। For exchanging information, most of the business and government organizations are using lines, यानी information को exchange करने के लिए कोई भी यानी business या business means कोई भी company वगैरह या कंप्यूटर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह यानी लाइन का यानी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है किस लिए, यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिजनेस की बात करेंगे तो जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में हम जब कोई भी गुड्स का यानी हम ऑर्डर करते हैं, परचेस करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके यानी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, फिर वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ जाते हैं हमारी, जैसे कि थैंक यू फॉर परचेजिंग वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे बोल के। तो ये सब क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डाटा यानी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रांसफर करना हो डाटा या सेंड करना हो या रिसीव करना है, तो उस टाइम हमें लाइन का यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी। लोकल एरिया नेटवर्क से लोकल एरिया नेटवर्क जो कि सिक्योरिटी यानी ज़्यादा देते हैं अदर नेटवर्क से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग यानी कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आएंगे तो हम इसकी यानी डॉट क्लास ले लेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ये था लोकल एरिया नेटवर्क का डायग्राम जिसमें यानी बहुत सारी कंप्यूटर्स यानी इंटरकनेक्टेड है, पर्सनल कंप्यूटर्स, जिससे यानी हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कोई भी डाटा हम इस आपस में हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।